नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम BHU BEd साइंस 2015 इंट्रेंस का सॉल्व पेपर देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर मौजूद है, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 51 दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। प्रश्न 52 है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर अर्थात घेंघा रोग। प्रश्न 53 है, 10 ग्राम शर्करा से प्राप्त होने वाली कैलोरी है 40 कैलोरी। प्रश्न 54 है, केंद्र बिंदु जिसके हिसाब से अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन 2 सही है, समय। प्रश्न 55 है, हमारे आहार के 3 आधारभूत पोषक तत्व हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। प्रश्न 56 है, सब्जियों का अचार बनाने में प्रयुक्त होता है, तो सब्जियों के अचार बनाने में सिरका का प्रयुक्त होता है। प्रश्न 57 है, संचार प्रक्रिया का प्रारंभक है प्रेषक अर्थात सेंडर। प्रश्न 58 है, निम्नलिखित एक श्रव्य साधन है, इसका ऑप्शन 4 सही है, रेडियो एक श्रव्य अर्थात सुनने वाला साधन है। प्रश्न 59 है, निम्न में से कौन सा संबंध एक गैस के आयतन को सही रूप में नहीं दर्शाता है, इसका ऑप्शन 3 होगा, 1 लीटर बराबर 10^3 घन मीटर। प्रश्न 60 है, गैस अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग बराबर होता है, इसका ऑप्शन 2 सही है, करणी में 3 RT/m। प्रश्न 61 है, NH3 का साधारण तापमान पर बिना दाब का प्रयोग किए हुए द्रवित किया जा सकता है, परंतु O2 को नहीं, क्योंकि इसका क्रांतिक तापमान कम है। प्रश्न 62 है, S का SF6 में संक्रमण है, इसका ऑप्शन 1 सही है, SP3D2। प्रश्न 63 है, हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल इलेक्ट्रॉन का N=3 स्तर से N=2 स्तर का संक्रमण का परिणाम होता है, बामर श्रृंखला। प्रश्न 64 है, यह अणु जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है वह है, इसका ऑप्शन 3 सही है, CH4। प्रश्न 65 है, दर्शाए गए अभिक्रिया में लापता प्रक्षेप है, इसका ऑप्शन 3 सही है, गामा किरण। प्रश्न 66 है, दिए गए अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक KC है, इसका ऑप्शन 3 सही है, H2O(2)। प्रश्न 67 है, दिए गए अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा बढ़ाने के लिए तंत्र की परिस्थिति होगी, इसका ऑप्शन 3 सही है, निम्न तापमान एवं उच्च दबाव। प्रश्न 68 है, As2S3 एक -VE सॉल है, आयन जिसकी स्कंदन क्षमता अधिकतम है वह होगी, इसका ऑप्शन 4 सही है, Na(SN)4+। प्रश्न 69 है, ऊष्मा गतिकी में G=H-TS जहां S है, इसका ऑप्शन 2 सही है, एंट्रोपी। प्रश्न 70 है, लैक्टोज के जल अपघटन के उत्पाद हैं, इसका ऑप्शन 3 सही है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। प्रश्न 71 है, मंडल परिष्करण की विधि इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन 4 सही है, कैल्शियम। प्रश्न 72 है, बहुलक टेफ्लॉन को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकल है, इसका ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न 73 है, पैरामीशियम ऑरोलिया में वह प्रक्रिया का नाम जो एक ही कोशिका में नाभिकीय संरचना तथा शारीरिक विभाजन बिना नाभिकीय प्रत्यंतरण अथवा एकत्रीकरण के कारण होता है, इसका ऑप्शन 2 सही है, एंडोमिक्सिस। प्रश्न 74 है, एक ही जीव के जीवन काल में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन के आधार पर बहुरूपीय अवस्था। प्रश्न 75 है, हरित ग्रंथि पाई जाती है, ऑप्शन 4 सही है, झींगा में। प्रश्न 76 है, बाइपिनोरिया कीट डिम्ब का स्वरूप पाया जाता है, इकोनोडर्मेटा। प्रश्न 77 है, पालीकीटा के कीट डिम्ब स्वरूप को जाना जाता है ट्रोकोफोर के रूप में। प्रश्न 78 है, इनमें से कौन सी कार्डेटा की विशेषता नहीं है, इसका ऑप्शन 4 सही है, स्तरीय द्विस्तरीय। प्रश्न 79 है, इनमें से कशेरुक प्राणी नहीं है, इसका ऑप्शन 4 सही है, समुद्री धारा या अष्टपदक। प्रश्न 80 है, डिप्नोआई के सदस्य सामान्य तौर पर जाने जाते हैं, लंग फिशेस। प्रश्न 81, कैटाड्रामस स्थानांतरण मछलियों के गमन से संबंधित है, मीठा जल से लवणीय जल। प्रश्न 82 है, इनमें से कौन वाताशय का कार्य नहीं है, इसका ऑप्शन 2 सही है, प्रजनन क्रिया। प्रश्न 83 है, मेंढक का तृतीय नेत्र आवरण है, निमेशक पटल। प्रश्न 84 है, सर्प की 20 ग्रंथि परिवर्तित रूप है, लार ग्रंथि। प्रश्न 85 है,
मगरमच्छ का हृदय है अपूर्ण चार वेशमी। प्रश्न 86 पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी या पक्षी शास्त्र। प्रश्न 87 फलों के पकाने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन 2 सही है, फलों को पकाने के लिए इथाइलीन हार्मोन का प्रयोग होता है। प्रश्न 88 फर्न के बीजाणु धानी का कैप्सूल कहाँ टूटता है। इसका ऑप्शन 1 से स्टोमियम में। प्रश्न 89 पूर्ण प्रभाविकता किसमें अनुपस्थित होता है। इसका ऑप्शन 4 सही है, मीराबिलिस जलापा। प्रश्न 90 है, कोडान किस पर उपस्थित होते हैं। इसका ऑप्शन 2 सही है, mRNA। प्रश्न 91 है, पंखयुक्त बीज किसमें पाए जाते हैं। तो पाइनस में पंखयुक्त बीज पाए जाते हैं। प्रश्न 92 है, पॉलिनियम किसमें पाया जाता है। इसका ऑप्शन 2 सही है, कैलोट्रापिस में पॉलिनियम पाया जाता है। प्रश्न 93 आंशिक जड़ परजीवी का उदाहरण है। इसका ऑप्शन 2 सही है, चंदन। प्रश्न 94 है, निम्न में से किसे बिग मास कहते हैं। तो स्फैग्नम को बिग मास कहते हैं। प्रश्न 95 है, राजधानी की झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट। प्रश्न 96 है, DNA का संश्लेषण किस अवस्था में होता है। इसका ऑप्शन 3 सही है, एस अवस्था। प्रश्न 97 है, न्यू मेटोरफोस किसमें पाई जाती है। तो न्यू मेटोरफोस राइजोफोरा में पाई जाती है। प्रश्न 98 है, प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशी अभिक्रिया के समय प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है। इसका ऑप्शन 1 सही है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। प्रश्न 99 है, सैफ्रॉन किससे प्राप्त किया जाता है। तो सैफ्रॉन क्रोकस सटाइवस से पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 100 है, कॉफ़ी का पौधा किस कुल का है। तो कॉफ़ी का पौधा रूबिएसी कुल का है। दोस्तों ये था इस वीडियो का सेकेंड पार्ट, इसके अन्य पार्ट भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।